हे गाइस, क्या हाल है सबके। फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे रेज लॉन्गिनस का रिव्यू। और उससे पहले ये देखो भाई, ये स्टेडियम अभी लिया था हमने और अभी इसका देखो हाल क्या हो गया। इतनी मतलब थोड़े से टाइम में इतना खराब कर दिया यार ये बेब्लेट्स ने। तो इसकी क्वालिटी जो है एक टाइप से मैं कहूँगा नॉर्मल स्टेडियम से थोड़ी सी कम है यार। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये देखो सही इफेक्ट आ रहा है ना। एक वीडियो इसे करके देखते हैं और फिर मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और देखूंगा कि अच्छी लगी या नहीं लगी आपको। ओके, तो हाँ ये है रेज लॉन्गिनस गाइस। कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये पता नहीं कौन से ब्रांड का है, इतना मेरे को नहीं पता क्योंकि फेक है ये, इतना पता है। ये इसके स्टिकर्स आते हैं गाइस, ये लेयर, ये इसकी चैसी है, ये इसका ड्राइवर है। ये ड्राइवर भाई मैंने बहुत ज्यादा देखा है। ये क्या है, प्लास्टिक? ये ड्राइवर मैंने यार हिलियोस बेलकोनो में भी था, ये किंग हिलियोस में भी था, ये एक्सीड में भी यही था, मतलब हर जगह यही है। तो भाई हमारे इस मंथ में नहीं हुए भाई 1 लाख सब्सक्राइबर्स, मतलब 2 लाख सब्सक्राइबर्स, 1 लाख कह रहा हूँ मैं भी। तो यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ करवा दो यार। हाँ तो गाइस ये है रेज लॉन्गिनस। और अब इसके स्टिकर्स लगाने हैं मेरे को, और स्टिकर्स लगाने के लिए भी मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी देखो यार कितना शाइन कर रहा है ये, एक नंबर बेब्लेड। तो लॉन्गिनस जितने भी आए हैं ना सारे मस्त आए हैं भाई। लॉन्गिनस खतरनाक बेब्लेड्स हैं। अभी ये राइट स्पिन भी घूम रहे हैं, वैसे राइट स्पिन इसको घुमा नहीं सकते। तो गाइस अभी मैं इसको स्टिकर्स लगा के फिर मिलता हूँ। यो गाइस, हमारा लॉन्गिनस रेडी है। देखो कितना, मतलब कितना शानदार लग रहा है यार ये। स्टिकर्स इतने एक्यूरेट नहीं लगे मेरे को इसके, बट कलर मेरे को लॉन्गिनस का पसंद है यार। वाइट कलर शानदार लगता है भाई। तो ये 3 है मेरे सबसे बेस्ट मेरे को जो लगते हैं। इसके तो स्टिकर्स ही नहीं है यार अच्छे से। तो भाई देखो यार कितना सही है भाई, सारे के सारे लॉन्गिनस। अभी इसको करते हैं, सारे तो नहीं मतलब लगभग मोस्टली लॉन्गिनस तो सारे ही हो गए मेरे पास गाइस। भाई लॉन्गिनस मेरे पास सारे हो गए, कमाल की बात है गाइस। चाहे फेक ही क्यों ना हो लेकिन है सारे मेरे पास, सारे है ना। टर्बो सीरीज में कोई लॉन्गिनस होता है? हाँ है, वो भी है मेरे पास, ये रहा ना। एवोल्यूशन में होता नहीं है शायद, या होता है एवोल्यूशन में? एवोल्यूशन में नहीं होता है लॉन्गिनस। बेब्लेड बर्स्ट में होता है, उसका भी है मेरे पास, और सबका ही है लगभग। हाँ लगभग सबका ही है गाइस। तो चलो लॉन्गिनस से लॉन्गिनस करते हैं थोड़ा शुरू शुरू में। 3 2 1 हाँ भाई, बड़ा स्लो लॉन्च किया बट मैंने लास्ट में यार। चलो अब ठीक है, अभी प्रॉपर हो गया। तो भाई हमारा सेटअप एकदम से रेडी हो चुका है सारा का सारा ही। देखो दिखाता हूँ मैं, ये एक इस साइड लाइट है, ये एक इस साइड लाइट है, और ये है हमारा मेज, और ये है हमारी ट्राइपॉड जो कि आप देख नहीं सकते बट आनंद ले सकते हो देखने का, मतलब इसका जो भी है कहते हैं इसको। फिर से करते हैं गाइस, 3 2 1 यार ये लॉन्च करने में दिक्कत होती है। लॉन्च भाई सही में बड़ा बेकार लॉन्च होता है ये। जितने भी स्पार्किंग बेज होते हैं ना उनको लॉन्च करने में थोड़ी दिक्कत आती है, उनकी जैसी जैसी इतनी बल्किंग हो जाती है कि पूछो ही मत। भाई पहले इसको लॉन्च करते हैं फिर दिक्कत नहीं आएगी। ओ ये तो जुई लॉन्गिनस स्ट्रॉन्ग है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि रेज लॉन्गिनस को हरा दे। ले रेज लॉन्गिनस मेरे ख्याल से सारे लॉन्गिनस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि स्पार्किंग बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं भाई। देखा जीत गया ना, स्पार्किंग बेस तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इससे भी करवा देते हैं गाइस। इस पे है डिस्ट्रॉयर ड्राइवर शायद। 3 2 1 इस पे ना डेंट बहुत आते हैं यार डीबी स्टेडियम पे। ओ ये भाई एक ही टक्कर में हिला दिया रेज लॉन्गिनस को गिल्टी लॉन्गिनस ने। गिल्टी लॉन्गिनस भी स्ट्रॉन्ग है बट नहीं, उल्टा ले लेते हैं गाइस हम। गिल्टी लॉन्गिनस स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना कि ये है। 3 2 1 और टूटा कुछ तो, टूटा कोई ना कोई बेब्लेड टूटा है गाइस। ओ ये ओ भाई
देखो ये टूटा है, इसका कुछ टुकड़ा टूटा है। किसका टूटा है? आई थिंक रेज का टूटा है। नहीं इसका टूटा है, इसका ये टूट गया, यहाँ से टूटा शायद। हाँ ये टूटने वाला है यहाँ से भी। रेज का नहीं टूटा, गिल्टी का टूटा गाइस। ये यहाँ से भी टूटने वाला, देखो देख नहीं पा रहे होगे शायद, मे बी ये टूटा हुआ यहाँ से। तो अभी कुछ और बेब्लेड से फाइट करते हैं। एस्ट्रल स्प्रिगन वर्सेस रेज लॉन्गिनस, ये देख लेते हैं कैसी रहेगी फाइट। 3, 2, 1। ओ ये, ओ भाई एस्ट्रल स्प्रिगन के तो तोते उड़ा दिए गए गाइस। तो एस्ट्रल स्प्रिगन मुझे नहीं लगता जीत पाएगा, ऊपर से राइट स्पिन है तो वैसे भी नहीं जीतना। तो ड्रॉ तो कर ही दिया, एंड में आके ड्रॉ कर चुका है। ब्रेव वैल्करी से कर लेते हैं। ब्रेव वैल्करी बेचारा पहले से ही घायल रहता है, इसको और घायल कर देते हैं थोड़ा सा। 3, 2, 1। यार लॉन्च ही नहीं होता है तो मिराज फेफियर से कर लेते हैं, नहीं वेनिश फेफियर से कर लेते हैं। 3, 2, 1। ओ भाई क्या लॉन्च हुआ है, क्या टक्कर हो रही है भाई साहब। इनका वेट कंपैरिजन भी कर लेते हैं। भाई काफी लंबी फाइट खींच दी और वेनिश फेफनियर जीत गया एंड में आके भी। अभी वेट देख लेते हैं इनका, इसका ही देखना है, बाकी को तब छोड़ो। इसका देख लेते हैं कितना है। 3, 64 ग्राम है भाई, 64 ग्राम पूरा फोर है, 64 ग्राम। देखें इन बाकी लॉन्गिनेस का कितना है, इसका है 60 के आसपास, इसका होगा 61 ग्राम इसका है। सही है यार, ज़्यादा फर्क नहीं है किसी में। इसके में है भाई 80 ग्राम का ये, इसमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हैवी है ये इन दोनों से, हद से ज़्यादा। तो गाइस नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें देखते हैं क्या करेंगे। हाँ अभी तो वो भी आ रहा है यार, क्या नाम था उसका, छोड़ो नेक्स्ट वीडियो में देखना, एक अच्छा बेब्लेड आ रहा है। तो बाय गाइस, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। और भाई 2 लाख सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, जल्दी से रिक्वेस्ट है। तो बाय गाइस।